हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ हाउ टू गेट जॉब, हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट में गवर्नमेंट जॉब आप कैसे पा सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी, प्रोसेस क्या है और सैलरी कितनी होती है वो भी बताऊँगी, और साथ ही प्राइवेट जॉब के भी बारे में बताऊँगी कि हाँ प्राइवेट जॉब आप कैसे ले सकते हैं और उसके साथ क्या क्या स्कोप है जिससे आप इस फील्ड में आके अर्निंग कर सकते हैं। मेन होता है कि चलिए पहले आप पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई के बाद सबका यही मेन फोकस होता है कि अर्निंग कैसे करें, चाहे वो प्राइवेट जॉब लेके करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लेके करें, चाहे वो कोई और प्रोसेस हो, चाहे वो कोई और स्कोप हो। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी, ठीक है, गवर्नमेंट से लेके, प्राइवेट से लेके और अदर स्कोप से लेके। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज जानना है कि कैसे जॉब आप पा सकते हैं। और साथ ही एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत किसी को लगता है कि इस फील्ड में कोई स्कोप ही नहीं है, और सच में मेरे सामने भी बहुत लोगों ने आके कहा है कि हाँ इस फील्ड में तो कोई स्कोप नहीं है, कोई अर्निंग स्कोप नहीं है। और मुझे कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मैसेज आया था कि मैम मुझे BFA करने में बहुत इंटरेस्ट है बट मेरे फैमिली वाले कहते हैं कि इस फील्ड में कोई अर्निंग स्कोप नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को भी लगता है कि फाइन आर्ट के फील्ड में स्कोप नहीं है अर्निंग का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारा स्कोप है इस फील्ड में, स्कोप ही स्कोप है अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसे लोगों से आप पूछिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि नहीं बहुत सारे स्कोप्स होते हैं इस फील्ड में। चलिए आज इसी के विषय में लेके मैं बात करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठीक है जॉब पाना है, पर जॉब पाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं इस फील्ड में, तो सबसे पहले आपको BFA और MFA करना पड़ेगा, कंपलसरी है। और BFA करने के लिए आपको 12 पास आउट होना चाहिए, क्योंकि 12 पास आउट होने के बाद ही आप BFA कर सकते हैं। और अगर आप MFA नहीं किए तो BFA तो 100% ही करना पड़ेगा, विदाउट BFA आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो BFA तो 100% आपको करना है, और BFA 12th के बाद होता है, 12th की डिग्री होनी चाहिए, देन BFA की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और BFA जो है वो 4 साल का कोर्स होता है, और इसके अंतर्गत 5 डिपार्टमेंट अलग अलग आते हैं। आप चाहे जिस डिपार्टमेंट से करें, आप जिस डिपार्टमेंट से करेंगे BFA आपको उसी डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी वो है, और अलग होता है टीचिंग, टीचर के लिए जो जॉब है वो भी आपको, उसके लिए भी मैं बताऊँगी। सबसे पहले आते हैं कि टीचिंग के लिए, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए इसमें कौन कौन से जॉब मिलते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है आपका TGT, दूसरा है PGT, तीसरा है KVS और चौथा है NVS। ठीक है, मोस्टली ये 4 जो जॉब है लगभग लोग अप्लाई करते हैं इस फील्ड के लगभग लोग ये जो 4 मैंने बताया, TGT, PGT, KVS और NVS, लगभग लोग इस फील्ड को लेके अप्लाई करते हैं। और इसका मैं फुल फॉर्म भी आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है तो। TGT का फुल फॉर्म हो गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, KVS का केंद्रीय विद्यालय संगठन, और NVS का नवोदय विद्यालय समिति। तो ये सारे, ये 4 आपका हो गया जिससे आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, और इसके लिए आपको BFA कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे बता दूँ कि PGT एक ऐसा है जिसमें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सिर्फ BFA नहीं, आपको साथ में MFA भी करना कंपलसरी होगा। विदाउट MFA आप PGT फॉर्म तो नहीं भर सकते हैं, बाकी आप TGT, KVS, NVS तो भर भी सकते हैं BFA के बाद, लेकिन PGT का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते, आपको MFA 100% करना पड़ेगा, दोनों की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन लेकिन इसमें भी बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि जो सीनियर्स हैं, जो टीचर्स से अगर कहते हैं कि अगर हाँ आप दोनों की डिग्री लेके उसके बाद अप्लाई करते हुए, तो और ज़्यादा इंटरव्यू में बेनिफिट रहता है कि हाँ दोनों की डिग्री है तो इम्प्रेशन अच्छा जमता है इंटरव्यू में। और साथ ही इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने BFA किया और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्म भरा हो गया, नहीं, BFA एक अलग हो गया, उसके बाद आप TGT के लिए भी बकायदा, टीचिंग के लिए बकायदा आप प्रिपरेशन कीजिए, उसके लिए फिर आप एग्ज़ाम के, उस TGT एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकलते हैं, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकलते हैं उसको फॉर्म को भरिए, एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, देन अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हैं तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो ये प्रोसेस है जॉब तक पहुंचने के, गवर्नमेंट जॉब तक, टीचिंग के लाइन में गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के, ये प्रोसेस है इसमें। और साथ ही जब आप इंटरव्यू में जाए,
पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। पोर्टफोलियो इन द सेंस, जब आप BFA करते हैं तो BFA करने के दौरान जो भी आपने वर्क किया है वो वर्क का पोर्टफोलियो बना के इंटरव्यू में आप प्रेजेंट करें। जो आप लोग का इंटरव्यू, जो टीचर आप लोग का सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा रहेगा वो उतना ही अच्छा इंप्रेशन जमाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, फिर जो भी वो इंटरव्यू में जो भी पूछेंगे वो सारी चीज़ अगर आप क्रैक कर जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं, तो फाइनली आपकी जॉब लग जाएगी। अब बात आते हैं सैलरी की, कि सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कम से कम कितना भी होगी तो 40,000 रहती है कम से कम, ठीक है। और ये आगे बढ़ के लाखों तक पहुँचती है। तो कम से कम स्टार्टिंग सैलरी तो 40,000 100% रहती है। तो 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, किसी किसी की 50, किसी की 60,000 से भी स्टार्ट होती है, और ये आगे बढ़ के लाखों लाखों तक जाती है ये सैलरी। तो ये हो गया, एंड ये तो रह गया कि टीचिंग, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए आप अप्लाई इस तरीके से करेंगे। अब बात आते हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको इस फील्ड में। तो प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12 पास आउट कंपलसरी, देन उसके बाद आपको BFA करना पड़ेगा, उसके बाद MFA करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको PhD करना पड़ेगा, ठीक है। PhD करने के बाद ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और PhD करने के लिए आपको नेट या GRF क्रैक करना पड़ेगा। या तो आप नेट क्रैक कीजिए या तो GRF क्रैक कीजिए। और यहाँ पे बता दूँ कि नेट और GRF में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। PhD करने के लिए नेट और GRF क्रैक किए, बात यहाँ पे ये है कि आपने MFA किया, और सॉरी आपने BFA किया, MFA किया, उसके बाद आप नेट निकालिए चाहे GRF निकालिए PhD करने के लिए। अगर आप नेट निकाल के PhD करते हैं तो आपको PhD करने के लिए पर मंथ 12,000 रुपीस मिलते हैं। वहीं आप GRF निकाल करके, GRF क्वालिफाई करके अगर आप PhD करते हैं तो उसमें आपको पर मंथ PhD करने के लिए 30,000 रुपीस मिलते हैं। तो बस यही अंतर रहता है पैसे का, ठीक है, कि अगर नेट करके करते हैं तो 12,000 और GRF करके करते हैं तो 30,000 आपको पर मंथ मिलता है। और उसके बाद PhD कीजिए। PhD मोस्टली कहीं 3 साल का होता है, कहीं 4 साल का होता है, कहीं 5 साल का होता है। PhD मोस्टली 4 साल का होता है PhD, तो आप PhD कीजिए। PhD करने के बाद फिर प्रोफेसर का बात आता है। तो प्रोफेसर बनने के लिए कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। और इसमें भी आपका पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप इंटरव्यू की वैकेंसी निकलते रहती है, इंटरव्यू क्रैक कीजिए, उसके बाद आपको प्रोफेशन में जॉब मिलेगी। तो बकायदा इन द लास्ट यही है कि आपका काम, जो आपका वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आप माहिर होने चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चाहे तो आप थ्योरी के भी टीचर बन सकते हैं, क्योंकि थ्योरी भी इसमें पढ़ाया जाता है, तो आप थ्योरी के भी टीचर बन सकते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आ गया कि गवर्नमेंट में आप ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइवेट की, कि प्राइवेट आप कैसे कर सकते हो। तो प्राइवेट में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने BFA किया, कोई भी स्कूल में जाके आप डिग्री दिखाएं और अपना काम दिखाएं, क्या होगा, प्राइवेट में भी आपका इंटरव्यू ही लिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट में इंटरव्यू पास कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट का जो भी कुछ बनाने बोला जाएगा या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, अगर आप क्रैक कर जाते हैं तो आपको प्राइवेट में भी इंटरव्यू, प्राइवेट में भी सॉरी जॉब आपको मिल सकती है। कोई भी अच्छे स्कूल्स में, अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स में आपको जॉब मिल सकती है प्राइवेट में। तो टीचिंग का है आपको प्राइवेट के लिए, ये कर सकते हैं आप। और उसके बाद अदर स्कोप में आप क्या क्या कर सकते हैं वो अब बात करते हैं। कि हाँ चलो, आपको कभी कभी होता है कि किसी किसी को गवर्नमेंट भी नहीं मिल पा रही, अप्लाई कर रहे पर हो नहीं पा रहा। हर किसी से अप्लाई करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत भीड़ पड़ी रहती है, लेकिन हर किसी का नहीं होता। बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट क्या प्राइवेट भी नहीं होता। तो और अदर स्कोप क्या क्या है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अदर स्कोप ये है कि आप एग्जीबिशन लगा सकते हैं अपने काम का। अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है तो आप एग्जीबिशन लगाइए, एग्जीबिशन से आप अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खुद का स्टूडियो बना सकते, स्टूडियो खोलिए, स्टूडियो में काम कीजिए। बहुत लोगों के स्टूडियो रहते हैं, आप उसके स्टूडियो में काम कीजिए तो आपको सैलरी मिलेगी, वो चीज़ है। या फिर आप खुद का अपना स्टूडियो अगर खोल पा रहे हैं तो अपना खुद का स्टूडियो बनाइए, उससे भी आप इनकम कर सकते हैं। कमीशन वर्क से इनकम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमीशन वर्क। तो अगर आप पेंटिंग के डिपार्टमेंट में, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप पेंटिंग में डिपार्टमेंट है तो कमीशन वर्क तो बहुत ही आता है पेंटिंग के डिपार्टमेंट में। और मोस्टली पोर्ट्रेट तो आता ही आता है, ठीक है। तो अगर आपका पोर्ट्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बनाने आता है, तो आपको ईजिली कमीशन वर्क भी
तो पोर्ट्रेट आता है तो आपको इजीली पोर्ट्रेट के बेस पे आपको कमीशन पर काफ़ी मिल सकते हैं। और पोर्ट्रेट मेरे हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बहुत अच्छे से आता है बनाने तो 100% आपको काम मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है कि नहीं मिले। लगभग लोगों को पोर्ट्रेट का कमीशन वर्क आते रहता है, तो हाँ आपका पोर्ट्रेट स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, आप घर बैठे ही ये सारी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें तो वॉल पेंटिंग कर सकते हैं, और अभी तो वॉल पेंटिंग बहुत फेमस ही हो रहा है, मतलब हर जगह वॉल पेंटिंग की जा रही है, सिर्फ ऐसे सड़कों पे नहीं, रेस्टोरेंट में, बहुत सारे होटल में वॉल पेंटिंग लोग शौक से कराते हैं, घर बन रहा है तो उसमें वॉल पेंटिंग करवाते हैं। तो हम लोग जो पेंटिंग के डिपार्टमेंट के रहते हैं, जो आर्टिस्ट रहते हैं वो, या फिर ज़रूरी नहीं कि पेंटिंग के डिपार्टमेंट के ही रहे, अगर आपको आता है काम, आपके वर्क, आपके वो पेंटिंग आती है बेसिकली, तो आपको आपकी आपको पेंटिंग आती है तो आप आराम से जाके कॉन्टेक्ट लीजिए, अपना वॉल पेंटिंग कीजिए, वो हो सकता है। प्लस आप अपनी पेंटिंग की सेल कर सकते हैं, सेल करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अप्लाइड में से है, अप्लाइड से जुड़े हुए, तो अप्लाइड से भी बहुत सारी चीज़ें कि आप इसमें कैसे कैसे आप जॉब पा सकते हैं, तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी फील्ड में भी बहुत सारे जॉब्स हैं प्राइवेट। फिर है ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे जो लोगो डिज़ाइन की जाती है, लोगो डिज़ाइन की जाती है वो सब आप कर सकते हो। फिर से होर्डिंग पेपर, पोस्टर जो डिज़ाइन की जाती है, वो सारी चीज़ें है सब फोटोग्राफी में आती है, सॉरी फोटोग्राफी में नहीं आती है, अप्लाइड में आती है। एनिमेशन का काम कर सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कैलीग्राफी कर सकते हैं आप, कैलीग्राफी भी अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत ही आता है। फिर ज्वेलरी डिज़ाइनर, ज्वेलरी जो ज्वेलरी आप पहनते हैं उसकी भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्सटाइल में ऐसा है कि उसमें भी डिज़ाइन, कपड़ों की डिज़ाइन करना, कपड़ा बुनना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी, तो उसमें भी आप प्राइवेट बहुत सारे काफ़ी जॉब है। अप्लाइड में तो काफ़ी प्राइवेट जॉब है, ईज़िली मतलब लोगों को मिल भी जाता है, तो हाँ अप्लाइड में काफ़ी प्राइवेट जॉब है। फिर से टेक्सटाइल में भी है, ज्वेलरी कपड़े डिज़ाइन करना, बुनाई का काम करना, बहुत सारा सिलाई का है, तो सारा कुछ टेक्सटाइल में आता है, तो वो सब कर सकते हैं। सेरेमिक में है कि आप किसी के स्टूडियो में काम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने काम को बना करके, ऑर्डर ले सकते हैं काम को, तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्कल्पचर में भी यही रहता है मोस्टली, स्कल्पचर में भी बहुत किसी को देखा है कि हाँ ऑर्डर लिया, या फिर चौराहे पे जो देखते हैं आप मूर्ति वगैरह बनी होती, तो वो स्कल्पचर वाले ही बनाते हैं, तो उस टाइप से अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है, आप कॉन्टेक्ट में हैं, तो आप उस टाइप से ऑर्डर लेके काम कर सकते हैं आपका। साथ ही आप अपना कुछ भी बनाए हैं स्कल्पचर में, तो आप उसका एग्जीबिशन लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं अदर स्कोप में कि हाँ इसे ये सब तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपका बस इसमें ये है कि आपका काम जो है अच्छा होना चाहिए, और 100% अगर काम अच्छा होगा तो आपको 100% काम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है कि चलो काम आ रहा है पर काम कैसे मिले, तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग कीजिएगा, स्टार्टिंग छोटे से ही होती है, लेकिन स्टार्टिंग कीजिएगा तो काम मिलने लगता है, ऐसा नहीं। बस वही बात होती है कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको सामने से काम मिलेगा, एक मिला शुरू में, एक मिलेगा, फिर धीरे धीरे दूसरा, फिर तीसरा, जब आपके काम और अच्छे होने जाएंगे, होने लगेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, तीसरे लोग देखेंगे, तो फिर खुद ब खुद सामने से काम आते रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो वही है कि लास्टली कि आपका काम, आपका वर्क, आपकी नॉलेज, वो सारा मैटर करता है, वो सब अच्छा होगा तो आप अर्निंग के लिए आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस फील्ड में, और गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे स्कोप्स है गाइस इस फील्ड में रहने के, आने के, एंड आई होप। और हाँ यहाँ पे मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, ठीक है, वरना फिर आप कमेंट में पूछो कि मैम प्रोफेसर की सैलरी बता दो। तो प्रोफेसर की सैलरी जो है वो स्टार्टिंग 1 लाख से होती है, 1 लाख से स्टार्टिंग होती है सैलरी कम से कम, और 2 लाख 2.5 लाख ऐसे तक जाती है प्रोफेसर की सैलरी। तो हाँ ये रहा, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, जो भी था जितना मेरे नॉलेज में था, जितना मैंने सब पता करके जो भी था बताना मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। और भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, आप पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अपना ख्याल रखें, नमस्ते।